आप लोगों को कुछ मिला? नहीं सर, ऐसे तो नॉर्मली पता चल जाता है कि आग कैसे लगी, पर यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आग लगी कैसे। अच्छा ठीक है, देखो एम्बुलेंस कहाँ तक पहुँची। जी सर। बहुत बुरी तरह से झुलस गया। कमाल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आग कैसे लगी है। कैसे हुआ ये सब? सब कुछ तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं ये आग कहां से लग गई। इतने सारे लोगों की बद्दुआएं तो लगेंगी ना। ए, क्या कहा तुमने? पता चला था सर कि दिलीप साहब किसी कोर्ट के केस में फंसे हुए थे। काफी बड़ा चक्कर था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले छूट भी गए थे। काफी लोग नाराज भी थे इस बात से। कहीं से चक्कर में किसी ने दिलीप को मार तो नहीं दिया? नहीं, कोर्ट ने बरी कर दिया था मेरे पति को, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या केस क्या था? 9 साल पहले जीजू के थिएटर में आग लग गई थी, जिसके कारण कुछ लोगों की मौत हो गई थी, और सारा इल्जाम जीजू पर आ गया था। ऐसे कैसे हवा में आग लग सकती है? जरूरी किसी की प्लानिंग है। किसी पे शक है आप लोगों को? कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, अनीता भी कर सकती है। कौन कौन अनीता? टोनी की वाइफ, और वो आज यहाँ आई भी थी। अनीता, दूसरों का घर बर्बाद करके अपने परिवार के साथ खुशियां मनाई जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। लेकिन एक बात याद रख लो, उन लोगों की तरह तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। सिक्योरिटी! ए चुप! आवाज नीचे! निकालो उसको बाहर, निकालो! Out! लगता है तुम दोनों अपने अंजाम से वाकिफ नहीं। तुम्हारा बुरा समय अब शुरू हो गया है, याद रखना। तूने जो किया है ना मेरे टोनी के साथ, याद रखना, इसके बाद तू नहीं बचेगा। सुना तुमने? ए, ले जा इसको। तू नहीं बचेगा, नरक में चलेगा तू। अरे देख क्या रहा है, ले जा इसे। नर्क में चलेगा तू, तड़प तड़प के चलेगा, याद रखना। अरे जा। लेट्स एंजॉय रोहन। अरे भूल जाओ। दिलीप और रोहन जिस केस में फंसे थे, उसी केस में कोर्ट ने टोनी को सजा दी थी। अच्छा, किस किस को पता था कि आप लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आने वाले? पता नहीं सर। अच्छा, दिलीप जी के आने से पहले इस चेयर के आसपास किसी को देखा था क्या, किसी अनजान आदमी को? नहीं सर, किसी को नहीं देखा सर। ये टेबल किसने रिजर्व किया था? दिलीप जी का फोन आया था, कह रहे थे कि हमारे लिए टेबल रिजर्व रखो। हमेशा यहीं बैठते थे, इसी टेबल इसी चेयर पर, रेगुलर कस्टमर थे हमारे। किसी को पहले से पता था कि दिलीप यहां इसी टेबल पे बैठेगा? सर कुर्सी के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आग लग सकती हो। कमाल की मिस्ट्री है यार। सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज से पता चलेगा क्या हुआ था यहां पे। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? कौन कर सकता है ये सब?
उसी ने जिसने दिलीप का खून किया सबूत मिटाने के लिए। ऐसे कैसे कोई मॉनिटर रूम में घुसा है? सिक्योरिटी कहाँ है तुम्हारे? सर इस रूम में सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सर सर मुझे नहीं लगता उसके पास टाइम होगा सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का। सर उसने बस तोड़फोड़ कर दी है, अगर हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं सर तो वो शायद हार्ड डिस्क से रिकवर कर पाए। सर 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 9 साल पहले दिलीप और रोहन का एक थिएटर था जिसमें आग लग गई थी। एग्जिट और एंट्री डोर बंद होने की वजह से इस आग में 12 लोग जल के मर गए। विक्टिम्स की फैमिली ने केस किया तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस वक्त एक गार्ड ड्यूटी पे था। टोनी। हाँ सर। सर कोर्ट में साबित हो गया कि टोनी ने बहुत शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो इतना धुत था कि वो इमरजेंसी एग्जिट भी खोल नहीं पाया। हाँ, टोनी की बीवी अनीता ये मानने को तैयार ही नहीं कि गलती टोनी की है। सर सिर्फ उसका ही नहीं, बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ने भी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब ये हादसा हुआ था उस वक्त दिलीप और रोहन के खिलाफ सॉलिड एविडेंसेस थे, लेकिन फिर केस चलता रहा। 9 साल हो गए, कुछ विटनेसेस ने गवाही बदल दी और कुछ कंट्री से बाहर चले गए। सर दिलीप और रोहन ने जरूर पैसे और पावर का इस्तेमाल किया होगा और ये बात टोनी को पता चल गई होगी, उसी ने भेजा होगा अनीता को दिलीप को मारने के लिए। पर फ्रेडी जब अनीता वहां थी ही नहीं तो आग लगाई कैसे? नहीं नहीं सिक्योरिटी वालों ने तो उसे बाहर निकाला था रेस्टोरेंट में से। ऐसी कौन सी चीज है जो अचानक आग लग सकती है? सर शायद डॉक्टर सालों के हमारी मदद कर सके, या फिर अनीता। किस बात पे इतना हैरान है? मेरी हंसी पे क्या? दिलीप की मौत पे? दिलीप की मौत पे तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? अब मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा? कल रात रेस्टोरेंट से निकलने के बाद तुम कहाँ गई थी? जेल अपने पति से मिलने। वार्डन के पास सारे रिकॉर्ड हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे, और ये भी कि आखिर तुमने वो आग लगाई कैसे? कोई काला जादू किया तुमने? दिलीप को अचानक आग कैसे लग गई? काला जादू आता तो जरूर करती, पर मैं बहुत खुश हूं ये दिलीप भी उसी तरह तड़प तड़प के मरा है जिस तरह 9 साल पहले वो बेकसूर लोग मरे थे। जिसकी सजा मेरा पति टोनी भुगत रहा है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि टोनी की गलती नहीं थी? तुम तो वहां थी नहीं। मैं वहां नहीं थी, लेकिन टोनी यहां था। उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, उसने अपने मालिकों से रोहन और दिलीप से कहा वो जल्दी घर आ गया आग लगने से पहले। गलती उन दोनों की थी, अरे पुराना दरवाजा ठीक ही नहीं करवाया जिसके कारण वहां आग में वो लोग झुलस के रह गए। मेरे पति की गलती नहीं थी, उन दोनों की थी। तो बहुत गुस्सा आया होगा ना तुम्हें? दोनों को मारने का भी मन किया होगा? 12 लोग मरे हैं वहां, मुझसे कहीं ज्यादा गुस्सा उन लोगों के परिवार वालों को आया होगा, पर वो बहुत खुश होंगे अब दिलीप की मौत की खबर सुनके। बहुत खुश होंगे वो लोग, और भी खुश हो जाएंगे जब रोहन चल के मरेगा। सर 42 लोग हैं, उन 12 विक्टिम के करीबी रिश्तेदार और फैमिली वाले। सस्पेक्ट ज्यादा और वक्त कम। सर सबसे पहले इन 42 लोगों में से उन लोगों के नाम हटा देते हैं जो कल दिलीप की मौत के वक्त शहर में नहीं थे। सर 9 साल हो गए इस बात को, शायद कितने लोग देश भी छोड़कर चले गए होंगे और कुछ लोगों की मौत भी हो गई होगी। फिर भी पता तो लगाना ही पड़ेगा।
देखो कितने लोग शहर में थे जब दिलीप की मौत हुई। कितने बजे? 27 लोग हैं सर जो उस वक्त शहर में थे और उनके पास दिलीप को मारने की वजह थी। ठीक है, बुला सबको ब्यूरो में, देखते हैं क्या कहानी सुनाते हैं ये लोग अपनी बेगुनाही की। जेम्स, तुम्हारे पिताजी 9 साल पहले थिएटर में लगी आग में जलकर मर गए हैं? यस सर। आपके हस्बैंड फिल्म अकेले देखने गए थे? उस दिन मैं बिजी थी इसलिए वो अकेले ही चले गए। कल रात कहाँ पर थे तुम? सर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। सर मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था। उन दोनों को मैं ऐसे बच के नहीं जाने दूंगी। तो क्या किया तुमने? सोचा कि दिलीप से फेस टू फेस मिलूंगा और उससे पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। सर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ घर पे गया। मैं अपनी वाइफ के साथ मॉल में था। सर आप मेरे फ्रेंड से पूछ सकते हैं। सर मैं उससे मिलता तो रेस्टोरेंट तक जिंदा नहीं पहुंच पाता। दिलीप को उसके किए की सजा मिल गई। मुझे मालूम चला रेस्टोरेंट से कि दिलीप के साथ क्या हुआ तो दिल को सुकून मिला सर। अब बचा रोहन, उसको भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब इन 27 लोगों में से उन लोगों के नाम रहने दो जो घुमा फिरा के जवाब दे रहे थे और जिन्होंने अपने जवाब पहले से ही तैयार करके रखे थे। सर अब 15 बजे। अब इन 15 लोगों को उस दिन के बारे में पूछते हैं जब 9 साल पहले थिएटर में आग लगी थी। देखते हैं किसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, कौन मुंह फेर लेता है। सर मेरा भाई 10वीं पास हो गया था। उसने कहा पार्टी देनी है, दोस्तों को पिक्चर दिखाना है, ऐसे तो सर मैंने वो पैसे उसे दे दिए। काश वो पैसे मुझे उसे देने नहीं चाहिए थे। सर जिसने भी ये किया बहुत अच्छा किया। आज मैं खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। कुमार साहब आप यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, है ना? यस सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स। लेकिन मेरे खुद के बेटे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बहुत डांटता था मैं उसे, लेकिन अनिकेत के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक नंबर का बदमाश बन गया था वो। उस दिन भी वो कॉलेज से बंक करके दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला गई और सर और वापस घर पे कभी नहीं आया। हिमेश राइट, कॉन्ट्रैक्टर हो ना तुम? हाँ सर। हिमेश 9 साल पहले तुम अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने गए थे उस थिएटर में। नई नई शादी हुई थी मेरी, सलोनी के साथ फिल्म देखने के लिए गया था। उसको भूख लगी थी, मैं समोसे लेने के लिए बाहर गया। मैं वापस आया तो देखा वहां के दरवाजे लॉक हो गए थे, वहां अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और धुआं निकल रहा था वहां से। सलोनी, मैंने सब दरवाजे खोलने की बहुत कोशिश की। सलोनी, मैंने बहुत कोशिश की, मैं पागलों की तरह दरवाजा को ठोकता रहा, पीटता रहा। सलोनी 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 चिल्लाता रहा, अरे कोई दरवाजा खोल दो यार, सलोनी सलोनी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका सर, मैं कुछ नहीं कर सका, अपनी सलोनी को मैं बचा नहीं सकता। वहां पे एक गार्ड भी था ना, टोनी, उसे भी दरवाजा नहीं खुला क्या?
नहीं था सर। वहां कोई और गार्ड, किसी और को देखा था तुमने? कोई नहीं था सर, कोई नहीं था। मैं 9 साल पहले जो बात कोर्ट में कहा वही आज कह रहा हूं। जब सिनेमा हॉल में आग लगी थी उस वक्त टोनी वहां पर नहीं था सर। सर ये हमारे फाइनल 15 सस्पेक्ट जो दिलीप को मार सकते हैं। सो कॉप्स कह रहे थे कि फायरमैन को भी पता नहीं चला कि आग का एग्जैक्टली सोर्स क्या था। उन लोगों को तो जनरली ढूंढ कर पता चल जाता है कि वहां पर ऐसी कौन सी चीज थी जो तुरंत आग पकड़ती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। उन्हें इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उस चीज की ना तो कोई खुशबू थी ना कोई रंग था। Exactly सर, मतलब अगर लिक्विड होता ना तो इस दिलीप को पता चलता जब वो चेयर पे बैठता, उसे फील होता, और अगर पाउडर होता तो हमें टेस्टिंग में पता चल जाता। इसका मतलब ये तो गैस, जिसका मतलब ये गैस है। गैस तो इसीलिए उस फायरमैन को पता नहीं चला कि किस चीज से आग लगी है। इनफ्लेमेबल गैस बॉस, जिसे सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत होती है आग पकड़ने के लिए। अच्छा ये बात समझ में नहीं आ रही है, दिलीप किस कुर्सी पर बैठा था तो गैस कुर्सी पर आई कहां से? कुर्सी से ही। क्या कुर्सी से? वो ऐसे बॉस, जिस चेयर पे ये दिलीप बैठा था उसके नीचे की तरफ किसी ने ज्वलनशील गैस का स्प्रे किया हुआ था। मरते वक्त दिलीप के कॉन्टेक्ट में 2 चीजें थी, एक तो ये चेयर जिसपे वो बैठा था और एक वाइन का ग्लास जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। हमने ये दोनों चीजें चेक की तो इस चेयर के ऊपर से हमें इनफ्लेमेबल गैस के कुछ ट्रेसेस मिले। बॉस, हमारे आसपास वातावरण में स्वतः ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो कभी कभी स्पॉन्टेनियसली जल जाते हैं, जैसे कि मार्श गैस एक नेचुरल बायोगैस है और ज्वलनशील गैस इसका मेन कंपोनेंट है। मतलब इनफ्लेमेबल गैस कभी भी हवा में ऐसे ही जल जाती है? नहीं फ्रेडी, अपने आप नहीं। जब वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है और वो वातावरण की ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो एक सुपर हाई टेम्परेचर का निर्माण होता है जिसकी वजह से ये आग लगती है। लेकिन सालून के साहब, वहां तो ऐसे कोई हाई टेम्परेचर वाली चीज थी नहीं। एग्जैक्टली, ऐसा कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं था जिससे गर्मी पैदा हो सके। बस इसीलिए मुझे लगता है खूनी ने कोई एक्स्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया है ये अचानक इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और ये कुर्सी तो तैयार बैठी थी, इसे तो सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत थी। पर सर, ऐसे कोई हीट कैसे पैदा कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं ना पूरे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैग्नीफाइंग ग्लास पर सूरज की किरणों को खास तरीके से फोकस करके हम बचपन में कागज जलाया करते थे। लगता है इस रेस्टोरेंट में फिर से जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा किस चीज से आग लगी। पूरा एरिया छान मार लिया सर, लेकिन ऐसी वो चीज ही नहीं मिली जिससे आग लग सकती है। और ये ओपन रेस्टोरेंट है। जब खूनी ने दिलीप के चेयर के नीचे वो इनफ्लेमेबल गैस स्प्रे किया तो किसी ने तो देखा होगा। वही तो, चेयर में अपने आप आग लग गई और दिलीप चल के मर गया। किसी ने कुछ देखा नहीं और ना ही कोई सबूत हमारे सामने आ रहा है। सर, उस डेटा एक्सपर्ट ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है, आप देख सकते हैं सर। गुड, तुम लोग यार देख लो, तब तक मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। सर, दिलीप और उसकी फैमिली के आने के 15 मिनट के पहले की फुटेज है। ये कुर्सी चेंज कर रहा है। इसका कोई दूसरा एंगल है क्या? इसी टाइम का चेक कर। एक मिनट सर। We'll be right back.
ये कुर्सी के साथ क्या कर रहा है? गैस स्प्रे कर रहा है क्या? हाँ, उसने अपने चेयर पे गैस स्प्रे किया और उसने अपनी कुर्सी को उस कुर्सी से बदल दी जिस पे दिलीप बैठने वाला था। आ दया। अच्छा, ग्रेट, गुड वर्क दया, गुड वर्क। क्या हुआ सर? जिसने भी दिलीप की कुर्सी के साथ छेड़खानी की ना, उसका पता चल गया है, वो एक आदमी है, उसका मिलता जुलता हुलिया भी मिला है। अब देखते हैं, दया भेजने वाला है फोटोग्राफ। खूनी इन बचे लोगों में से ही कोई एक है, इन्हीं में से एक। और अब इसका अगला शिकार रोहन है। मुझे लगता है कोई मेरी और दिलीप की रिहाई से खुश नहीं है। मेरी जान को खतरा है यहाँ पर। I will talk to you later. Bye. Sir, everything is okay. All right. तुम यहीं पर रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। Be alert, okay? Okay, sir. Thank you.
क्या हुआ यहाँ पर और कैसे? यहाँ पर भी और किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं, डिवाइस जली हुई लाश की बदबू के। यानी ये मर्डर भी इनफ्लेमेबल गैस से हुआ है? शायद। ये सब हुआ कैसे? सर मैं रोहन सर का बॉडीगार्ड हूँ सर। अच्छा, तो फिर ये आप लोग कहाँ थे जब ये सब हुआ? सर रोहन सर ने मुझे बाहर निगरानी के लिए कहा था, तो थोड़ी देर के बाद सर उनके चिल्लाने की आवाज आई तो मैं उनके कमरे की तरफ भागा, लेकिन सर दरवाजे के चारों तरफ से धुआं देखा तो मैं दूसरी चाबी से दरवाजा खोल के अंदर गया तो देखा कि सर रोहन सर जले पड़े थे। आप लोगों को भी कुछ पता नहीं है? कमाल है, कमरे के अंदर कोई लीड नहीं मिला, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, ये पर्दा अंदर से बंद है, ये विंडोज परमानेंटली क्लोज्ड है, कोई बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता, अब बाहर से अंदर कोई व्यू भी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, तो फिर आदमी मरा कैसे? इससे लगी है आग बॉस। ये इस चीज से? ये है क्या सर? फिलामेंट है। फिलामेंट? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर का फिलामेंट, और जब इस फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये गरम होकर के लाल हो जाता है। बॉस कूनी ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है उस ज्वलनशील गैस को जलाने के लिए। पर वहां रेस्टोरेंट में जहां पर दिलीप की मौत हुई थी वहां पर तो हमें ऐसा कोई फिलामेंट वगैरह नहीं मिला। बॉस इतनी छोटी सी चीज है, वो खुली जगह है, उड़ गई होगी शायद कहीं, लेकिन यहाँ तो पूरा कमरा बंद है, इसीलिए पलंग के नीचे मिल गया मुझे। लेकिन सर फिलामेंट से करंट पास होने के लिए वायर्स का कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना बेड तक। होगा, यही कहीं होगा जरूर। तब पूरा बेड चेक कर लिया हमने, कमरा चेक कर लिया, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला सर। दया, वो दरवाजा कैसा? मैनेजर। यस सर। वो दरवाजा कहाँ खुलता है? सर दूसरा रूम है जो इस रूम से कनेक्टेड है सर। अब वैसे ये रूम सील्ड रहता है, इसे कोई खोलता नहीं सर। खोलो दरवाजा। यस सर। आइए सर। मैनेजर साहब, किसका कमरा है ये? कौन रहता है इस कमरे में? गेस्ट है कोई सर, डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। मंगाओ। ओके सर। सर वहां उस कमरे में जो कुछ भी हुआ है सर वो इसी कमरे से किया गया। लेकिन अगर करंट इस रूम से पास किया गया है तो यहाँ से उस बेड तक कोई ना कोई वायर तो होनी चाहिए ना? और अगर वायर होती तो बॉस रोहन को दिखाई भी देनी चाहिए। हाँ, शायद उसके बॉडीगार्ड ने भी देखा हो। बुलाओ उसके बॉडीगार्ड को। आप आया। एक बात बताओ, जब तुम रोहन के कमरे में आए थे तब कोई वायर देखी या इस दरवाजे से उस कमरे में जाते हुए कुछ भी? नहीं सर, रोहन सर के रूम के अंदर जाने से पहले मैंने रूम को पूरी तरह से चेक किया था सर, लेकिन वायर जैसी कोई चीज उस रूम में नहीं दिखाई दी। ठीक है, जाओ तुम। जो कुछ भी हो दया, खूनी ने इसी दरवाजे का इस्तेमाल किया, इस दरवाजे से वो रोहन के इस कमरे में आया, उसने बेड पर इनफ्लेमेबल गैस स्प्रे किया और किसी भी तरह से फिलामेंट को करंट दे दिया, बस फिलामेंट गर्म हो गई और इनफ्लेमेबल गैस ने आग पकड़ ली, रोहन की मौत हो गई। बस एक बात पक्की है, ये जो कोई भी है उससे इलेक्ट्रिक और केमिकल्स की बहुत अच्छी जानकारी है। प्रोफेसर कुमार,
फिजिक्स का प्रोफेसर कुमार, उससे बढ़कर और कौन जान सकता है इस सारे मामले में? दया, चल इस प्रोफेसर कुमार से मिल लो। चल दया, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। प्रोफेसर कुमार है घर पे? हाँ है, लेकिन आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सब ठीक तो है ना साहब? हाँ, उनसे कुछ पूछताछ कर दी है। कहाँ है वो? बाहर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं बुला के लाता हूँ। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। मिस्टर कुमार, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? इसे पहचानते हैं? ये तो फिलामेंट है। गुड, सही पहचाना आपने। आपको पता ही है फिलामेंट हमें कहां से मिला? ये तो आप ही को पता होगा कहां से मिला आपको। रोहन के बेड के नीचे से, कल रात उसी बेड पे रोहन जल के मर गया। व्हाट? रोहन की भी डेथ हो गई? कल रात आप कहां पर थे? रात 9 से लेकर सुबह 3 बजे तक। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ मिस्टर कुमार। कल मैं पूरा दिन और पूरी रात घर पे ही था। कोई गवाह? जी हाँ, मेरा नौकर रामू और विकास। प्लीज कम हियर। यस सर। इन्हें बताओ मैं कल कहाँ था। सर हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे थे यहीं पे सर। कितने बजे से कितने बजे तक? सर शाम के 6 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक। सर हमारे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो हमने ही सर को रिक्वेस्ट किया था एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए। ठीक है सर, तुम जाओ बेटा। सर मेरे 5 स्टूडेंट्स और भी हैं जो कल सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारे साथ थे, कहें तो उनको बुला लूं? ठीक है, अब मैं जा सकता हूं सर, बच्चों को पढ़ाना है। प्लीज प्लीज। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि बिना सोल्डरिंग वायर के भी हम मदरबोर्ड फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव कंडक्टर। क्या बात? क्या? अरे यार, ये गलती मुझसे कैसे हो गई? क्या गॉड, बूढ़ा हो गया हूं मैं, बूढ़ा हो गया हूं मैं। दया एक काम करो, एक घंटे बाद फॉरेंसिक लैब में मिलो, कुछ बताऊंगा। एक घंटे बाद। अरे वो लवस, एक काम करो, इस स्विच से इन बल्ब्स को जलाओ। इस स्विच से? हाँ, इस स्विच से। यार ना कोई कनेक्शन है, खोजे कैसे जलेंगे ये? तुम सवाल मत किया करो, कभी कभी मेरी बात भी मान लिया करो यार। कभी कभी ये ले। क्या सर, ये तो कुछ हुआ भी नहीं। होगा होगा। अरे क्या होगा, होगा ही नहीं। अरे होगा यार, बिलीव नहीं होगा। एक मिनट। क्या इसकी तबीयत ठीक है ना? तो पता नहीं क्या हुआ है, वो जब से वो प्रोफेसर कुमार से मिलके आया ना, बस बल्ब के साथ ही खेले जा रहे हैं। बात बताओ, वो फिंगरप्रिंट्स का क्या रिपोर्ट आया? वही जो फिंगरप्रिंट्स उन्होंने होटल वाले से लिए थे और रूम में उठाए थे। तो फिंगरप्रिंट्स तो बहुत सारे मिले, लेकिन सारे स्टाफ मेंबर्स के ही हैं, उसके अलावा और किसी के नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? तो भाई साहब जरा इधर भी ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, ध्यान है। सर ये बल्ब जलने कैसे लगे? क्या बात है सालू के साहब,
बिना वायर के सारे बल्ब जला दिए। लेकिन सालों के सब ये सब आपने किया कैसे? एक वैसे ही हुआ ये फ्रेडी, जैसे कि खूनी ने किया था उस दिलीप की कुर्सी पे और रोहन के बेड पे। जादूगर सालंखे, साफ साफ बताइए आपने ये किया कैसे? करंट क्या हवा में से आया? हवा में से नहीं आया बॉस, करंट करंट आया है इलेक्ट्रिक पेंट के जरिए। इलेक्ट्रिक पेंट? हाँ, इलेक्ट्रिक पेंट। दरअसल बिजली के जो तार होते हैं वो मेटल के होते हैं और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए करंट उनमें से पास होकर के जाता है। ठीक इसी तरीके से कुछ पेंट भी होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक पेंट कहते हैं और ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और कमाल की बात यह है कि ये किसी भी कलर में मिल सकते हैं जो आसानी से किसी भी बैकग्राउंड में मर्ज भी हो सकते हैं। ओह, इसीलिए मैं होटल रूम में और रेस्टोरेंट में कुछ दिखा नहीं सर। एग्जैक्टली दैट। पुनी ने दरअसल होटल के कमरे का और रेस्टोरेंट के फ्लोर का दोनों का कलर इस कलर के साथ मैच किया, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट, आई मीन ये जो इलेक्ट्रिक पेंट है, ये आसानी से मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग और रिपेयरिंग के काम में आते हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आमतौर पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, सिर्फ इंफ्रारेड लाइट में ही ये दिखाई देते हैं। मैं दिखाता हूँ। देखा बॉस? हाँ, खूनी ने भी ऐसे ही इस इलेक्ट्रिक पेंट का इस्तेमाल किया और ये सर्किट बनाया। बचाओ! एक बात तो पक्की है, ये जो भी कोई है उसे इन सारी चीजों की पक्की जानकारी है। मगर सर, इनमें से खूनी कौन है? इस प्रोफेसर से तो मिल लिए सर, ये तो नहीं है। ये बंसी? बंसी तो एक क्लर्क है, पर मुझे नहीं लगता कि एक क्लर्क को साइंस की इतनी जानकारी होगी। सर, इनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो ये प्रोफेसर ही लग रहे हैं। कोई ऐसा जो प्रोफेसर जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन इसे इन सब चीजों की जानकारी है। वो ये है अभिजीत, ये है वो। याद है क्या कहा था इसने कि क्या काम करता? दिलीप और रोहन पर केस हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था अपने पैसे और पावर के दम पर वो छूट जाएंगे। लेकिन उनके पास पैसा था तो मेरे पास दिमाग। कई महीनों तक उनका पीछा किया, वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। आखिर मैंने दोनों को मारने की तरकीब ढूंढ ही निकाली, इलेक्ट्रिक पेंट्स और सर्किट्स के जरिए। ये दोनों के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी थी। बस दे दी दोनों को सजा, दोनों को मार दिया जिंदा जलाकर, जैसे उन्होंने मेरी सलोनी को मारा था। हिमेश, तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम सबको अफसोस है, लेकिन दिलीप और रोहन को मारकर तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हारी पत्नी वापस आ गई?
बदले की आग में तुमने दो लोगों की जानें ली, कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.